तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उबेद और आप देख रहे हैं द उबेद रिव्यू। तो दोस्तों, केजीएफ फ्रेंचाइजी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। अब क्या अपडेट है भाई? अपडेट कुछ इस तरीके की है कि पर व्यूज एक सब्सक्राइब तो चाहिए और लाइक और कमेंट तो सोने पे सुहागा होने ही चाहिए। शेयर कर दोगे तो हमारी और वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, बात यह है भाई, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरीके की है कि आज पूरा एक साल हो चुका है KGF 2 को रिलीज हुए हुए, और KGF 2 के जो मेकर्स हैं उन लोगों ने इसका एक सेलिब्रेशन भी किया है अपनी टीम में। अब उन्होंने उस सेलिब्रेशन की एक प्रॉपर वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे अपलोड की। अब क्या अपलोड की उसमें? KGF 1 और KGF 2 की पूरी जो उनकी कहानी जो पर्दे पे दिखाई गई थी और जो मूवी में थी, वो तो तोड़ तोड़ के हमें बताई गई कि अब ये हुआ था और अब ये हुआ था। लेकिन एक अपडेट निकल के आई है उससे आगे की। दोस्तों, क्या अपडेट निकल के आई है? देखिए, अभी जो मैं यश भाई की बात करूं, यश भाई मतलब रॉकी भाई, हमारे सलार से इसका जो है थोड़ा कोलेबरेट चल रहा है। मतलब सलार की जो शूटिंग हो रही है उसमें जो प्रभास हीरो हैं, ये सुनने में आ रहा है कि प्रभास और यश भाई का दोनों का एक ही मूवी में कोलाबरेट होना है। मतलब कुछ यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली है सलार और KGF 2, क्योंकि सितंबर में सलार आ रही है। तो हमें KGF तो बाद में देखने को मिलेगी जब भी आएगी, लेकिन हमें उससे पहले सलार में देखने को मिल जाएगी प्रभास और अपने यश भाई की जोड़ी। ठीक है, अब वहां से क्या कहानी निकलेगी जो कि बनेगी KGF 3 की कहानी? यस दोस्तों, उस वीडियो में हॉम्बले फिल्म्स की तरफ से एक वीडियो आया है, उसमें यह बताया गया है कि KGF 3 हम लेके आएंगे। अब कब आएगी इसका खुलासा नहीं किया। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आ जाए, 2024 में आ जाए। फिलहाल उन्होंने अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके की है कि अभी थोड़ा सा एक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जब एक ग्लिम्स टीजर या एक प्रोमो आएगा, जिस तरीके से अब फिल्मों के बनते हैं, जब लोगों में एक प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट ओपनली हो जाएगी, उसके बाद तो भाई पब्लिक में हताशा एक तमाशा सा बन जाएगा। क्योंकि ये जो मूवी होगी KGF 3, ये बड़े से बड़े रिकॉर्ड को तोड़ेगी, 100% तोड़ेगी। क्योंकि अब ये जो तीसरा जो पार्ट लेके आएंगे KGF 3 का, ये एक ऐसा लेके आएंगे और इनके दिमाग में वो पूरी पूरी चीज़ होगी कि हमें सब के रिकॉर्ड तोड़ने। और अब एक बात और सुन लो, साउथ में अब जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जैसे अल्लू अर्जुन हो गए, रामचरण हो गए, रवि तेजा हो गए, और भी रजनीकांत साहब हो गए, और भी अपने ये महेश बाबू हो गए, ये सब अब जितने भी फिल्में लेके आएंगे, उनकी जो फिल्मों के बजट तो छोड़ो, लेकिन उनकी जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करेंगी, उनके दिमाग में और पब्लिक भी अब ये बात सोच ले कि अब जैसे कि मान लो रामचरण साहब की कोई मूवी आई, अब वो 500 करोड़ चली गई, तो अब अगली जिस बड़े हीरो की मूवी आएगी तो वो अपने दिमाग में 600 करोड़ का बजट लेके चलेगा कि मुझे 600 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाना है। तो अब इस तरीके से चल रहा है, तो जैसे जैसे 100 करोड़ का आंकड़ा पहले पार भी नहीं होता था, अब 300, 400, 500 करोड़ का आंकड़ा पार हो रहा है। अब धीरे धीरे 1000 करोड़ पे भी जाएगी कहानी। तो फिलहाल दोस्तों, KGF फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट आ रहा है, यानी कि KGF 3। तो आप कितने खुश हैं इस न्यूज से? आपको कितना एक्साइटमेंट हुआ इस न्यूज से? आप कितना बेताब है इस मूवी को देखने के लिए? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। फिलहाल वीडियो को लंबा करते हुए मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।